सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ का ट्रेलर आज लॉन्च हुआ था। इस फिल्म में सारा अली खान बेहद खूबसूरत लग रही थी, हमारे MS धोनी भी काफी अच्छे लग रहे थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने। इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि सारा अली खान और सुशांत सिंह का रोल काफी इंटेंस है। दोनों की केमिस्ट्री भी ट्रेलर के हिसाब से बहुत बहुत प्यारी लग रही है, बट ये फिल्म कैसी होगी उसके लिए तो फिल्म का वेट करना पड़ेगा। इस लॉन्च में सारा अली खान ने रिवील किया कि उनको जानवी कपूर की एक्टिंग धड़क में काफी ज्यादा पसंद आई। आई हैव सेड प्रीवियसली, आई मीन आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस आर हियर टू जस्ट डू आवर जॉब्स एंड वी आर रियली नो वन टू डिसाइड एनीथिंग, यू नो। शी इज डन अमेजिंगली। आई सॉ धड़क, आई थॉट शी वाज फैंटास्टिक एंड आई होप एवरीबॉडी हैज लव्ड हर वर्क एंड आई होप दैट पीपल यू नो लाइक माय वर्क टू, गॉड विलिंग। चलो अभी ये तो थी सारा की पसंद, लेकिन क्या सारा को सब पसंद करेंगे ये तो रिलीज के बाद ही बता सकते हैं। दूसरी तरफ राजश्री प्रोडक्शन हाउस ने अपनी 2019 में आने वाली फिल्म हम 4 अनाउंस की है। हम सब जानते हैं राजश्री प्रोडक्शन हाउस एक आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस है। उन्होंने हमें एवरग्रीन फिल्म्स डिलीवर की है, लाइक हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन, जो हम सब जानते हैं। इस फिल्म का थीम है फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली, मतलब दोस्त भी एक परिवार के जैसे होते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अभिषेक दीक्षित। चलो 2019 भी इतना दूर नहीं, 2017 से मिस्टर एक्स जैसे इनविजिबल हुए इमरान हाशमी ने आज अपने फिल्म चीट इंडिया का पोस्टर शेयर किया है। जब इमरान हाशमी का जिक्र होता है तो सबसे पहले उनकी फिल्म्स के गाने याद आते हैं। तो क्या चीट इंडिया के भी गाने उस तरीके के होंगे जिस तरीके के उनके गाने पास्ट में रहे हैं? अब इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। विकास बहल, जिनको मी टू मूवमेंट में अक्यूज किया गया था, उनको ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी सुपर 30 से निकाल दिया गया है। सुना है कि अब उस मूवी को डायरेक्ट करेंगे कबीर खान। कबीर खान एक वैसे डायरेक्टर है जिन्होंने हमें मूवीज दी है लाइक बजरंगी भाईजान और काबुल एक्सप्रेस। सो क्या ये रिप्लेसमेंट जस्टिस कर पाएगा? लेट्स सी। जहां मुंबई में हो रहा था ये सब, वहां कंगना रनौत ने शुरू कर दिया अपना पंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है पंगा उनकी मूवी का नाम है। वो उसकी शूटिंग के लिए निकल गई है भोपाल। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाली है अश्विनी अय्यर। हम सब जानते हैं कंगना रनौत ने हमको कितनी सारी ब्लॉकबस्टर्स दी है इन बॉलीवुड, जैसे तन्नू एज मन्नू, क्वीन, फैशन। तो दोस्तों चलो देखते हैं ये फिल्म पर्दे पे कितना कमाल करेगी। एंड अब बात करते हैं अबाउट द बॉलीवुड मोस्ट अवेटेड ग्रैंड वेडिंग, दीप वीर की वेडिंग। यस, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण ने सुना है कि ये जो शादी होने वाली है वो दोनों स्टाइल में होने वाली है, दैट इज साउथ इंडियन एंड पंजाबी। चलो तो मैं आपको थोड़ा सा शादी के फूड मेन्यू के बारे में कुछ बताती हूँ। तो जिस तरीके से उनकी शादी होने वाली है दो तरीकों से, वैसे ही उनके खाने में क्यूजीन भी दो तरीकों का होगा। एक होगा साउथ इंडियन स्टाइल, जिसमें होगा इडली, डोसा, चावल की बनी डिशेस, एंड दूसरी तरफ नॉर्थ इंडियन, जहाँ पे होगा राजमा, तंदूरी एंड सो ऑन। अब जहाँ तक शादी की बात आती है, वहाँ गेस्ट की नज़र तो हमेशा खाने पे ही रहती है। सो लेट्स सी कि ये शादी के बाद लोगों का क्या रिएक्शन होगा और क्या फीडबैक होगा। तो ये थी बॉलीवुड की आज की ताज़ा खबरें। मैं फिर से आऊँगी आपके पास और न्यू खबरें लेके, लेकिन उसके लिए तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। Thank you.